घोसी की स्थिति एकदम चकाचक है, विरोधी पस्त है और हम सभी लोग प्रचार में मस्त हैं। विरोधी एकदम परेशान हो गया है कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग जिस ताकत के साथ लगे हुए हैं, इससे यह संदेश जा रहा है कि जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि अब जो कुछ हो जाए हम सभी लोग मिलकर के ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, किसी के बहकावे में हम लोग आने वाले नहीं है। क्या लगता है फिर से एक बार दारा सिंह आ जाएंगे? एकदम आ जाएंगे, क्योंकि जनता अपना आशीर्वाद दे रहा है, समर्थन दे रहा है। समाजवादियों को तो लोग मिल ही नहीं रहे हैं, प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं तो जबरदस्ती बुला रहे हैं, रात रात को पैसा बांट रहे हैं लोग, 5500 1000 रुपया दे रहे हैं कि सुबेरे वो नेताजी आवत हूँ उनके मीटिंग में चले के हो, वो लोग पैसा ले करके जाइ तो ना हुआ सा। अभी कल मैंने देखा आपके ही किसी पत्रकार साथी ने बताने का प्रयास किया कि पैसा बांटने के बावजूद समाजवादियों के कार्यक्रम में भीड़ नहीं आ रही है। और आज यहाँ गांव गांव जो चौपाल रहा है, गांव के सम्मानित साथी हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी के दीवाने हैं, उन्होंने 20 साल की तपस्या किया है। गांव के हमारे जो मतदाता हैं, जो युवा साथी हैं, जो समर्थक हैं, उन्होंने 20 साल की तपस्या किया है और तपस्या के बाद उन लोगों ने इस चीज़ को जानने का प्रयास किया है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया है, सामाजिक सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया है, और वो जो भी कहता है डंके की चोट पर कहता है और समस्त वंचित वर्गों के लिए कहता है। समाजवादी पार्टी लगातार आप पर हमलावर है, आपके पिता को फ्रॉड तक बता दिया गया। उनके जिम्मे कौनो काम ना है, समाजवादियों के जिम्मे अब कोई काम नहीं रह गया है, फ्रॉड तो उनके नेता हो गए। अभी कुछ दिन पहले हमने मणिपुर पर बोला था कि जो लोग रेप कर रहे हैं ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए, उनके एक प्रवक्ता बड़े ज्ञानी प्रवक्ता बनते हैं, उनके प्रवक्ता ने फटाक दे हमारा वीडियो कट पिट करके उसको एक छोटा सा 39 सेकंड का वीडियो बनाया और उस वीडियो में कहलवा दिया कि अरविंद राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। तो फ्रॉड तो वही लोग हैं जो लोग फ्रॉडगिरी किए हैं, गरीब नौजवानों का हिस्सा लूट लिए, महिलाओं के साथ रेप तक कर डाले, गरीब पाल प्रजापति निषाद गोण कहां राजभर बिंद केवट मल्लाह चौहान तक के लोगों का जमीन छीन लिए, उनका हिस्सा लूट लिए, उनका आरक्षण लूट लिए। तो फ्रॉडगिरी करने का काम तो ही लोग किए हैं, तो वो अपना चरित्र का प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि हम लोग फ्रॉड लोग हैं। ऐसे लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सबसे अच्छे नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर के साथ चलिए, अखिलेश यादव के साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के नेता ही बता रहे हैं। अंसारी परिवार चुनाव में कूद गया है, कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओम प्रकाश, अभी डॉक्टर संतोष पांडे जी ने भाषण दिया एक ठोना कि ओम प्रकाश राजभर जिसके सर पे हाथ रखेंगे वही विजयी होगा, और ओम प्रकाश राजभर जी हाथ हटा लेंगे वो पराजित हो जाएगा। तो अंसारी परिवार का कोई मतलब अब राजनीति में नहीं रह गया है, कोई मतलब उनका नहीं है, घूमते रहें, चलते रहें, फिरते रहें, सबका काम है प्रचार करना, वैसे ही वो भी कर रहे हैं।